ठाकुर जगदेव सिंह अध्ययन शोध संस्थान के जरिए और भारतीय इतिहास संकलन समिति के द्वारा आज से जो एक परिचर्चा संगोष्ठी या हम इसे विचार मंथन कहें आज से शुरू हो रहा है और इस सम्मेलन में विचार मंथन में क्या क्या होना चाहिए इसका बहुत ही उद्बोधक मार्गदर्शन आदरणीय कुलदीप अग्निहोत्री जी ने और आदरणीय प्रोफेसर वसंत शिंदे ने हम सबके सामने रखा है। ऐसे ही इस अवसर पर मंच पर उपस्थित हैं, वैसे हमें हमसे ऑनलाइन जुड़े हुए प्रोफेसर वसंत शिंदे जो प्रसिद्ध पुरातत्वविद हैं, पुणे की दक्षिण विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति भी हैं। वसंतराव तुमची भेट झाली असती इथे येऊन तर बरं झालं असतं। मंच पर उपस्थित हैं प्रोफेसर कुलदीप चंद अग्निहोत्री जी, चेतनाम गर्ग जी, सूरज ठाकुर, भूमिदत्त शर्मा अपने सभागार में उपस्थित हैं, अपने हमीरपुर के विधायक नरेंद्र ठाकुर जी, बहराम की विधायक श्रीमती कमलेश कुमारी जी, यहाँ उपस्थित सभी विद्वज्जन जो इस परिचर्चा में विचार मंथन में सहभागी होने वाले हैं और अपने पूरे देश से विभिन्न भागों से यहाँ उपस्थित हैं, ऐसे सभी और अन्य बहनों और भाइयों, मेरा केवल समापन है आज के उद्घाटन सत्र का और ये उद्घाटन सत्र समाप्त होने के बाद तुरंत वास्तव में ये संगोष्ठी है, परिचर्चा है, विचार मंथन है, शुरू होने वाला है और इसमें क्या करने का हमने सोचा है, क्या अपेक्षाएं हैं, इसका विवेचन कुलदीप जी ने हमको बहुत ही सटीक पद्धति से हमारे सामने रखा है। हमारे इतिहास में ऐसे बहुत सारे विषय हैं कि जिनको हमने स्पर्श नहीं किया या स्पर्श करने से हम डरते हैं आज भी। ऐसे विषयों पर केवल स्पर्श नहीं, लेखन नहीं, परंतु साहित्य की भी उपलब्धि होने की आवश्यकता होती है। कविताएं आनी चाहिए, कथा आनी चाहिए, उपन्यास आने चाहिए, जो इतिहास में घटी हुई घटनाएं हैं उसको तो इतिहासकार लिखकर जाएंगे, हमारे लिए उसका उद्बोधन रहेगा हमेशा के लिए, परंतु इतिहास में रुचि न रखने वाले समाज में ऐसे अनेक सारे लोग होते हैं कि जिनको कथा में रुचि होती है, उपन्यास पढ़ने की आवश्यक उनको लगता अच्छा है, कविताएं उनको अच्छी लगती हैं, इन सबके लिए यह साहित्य उपलब्ध होने की जरूरत है। अपने ऐतिहासिक घटनाओं पर, तथ्यों पर माननीय कुलदीप जी ने गोवा के बारे में और भी जैसे वसंत जी ने भी उल्लेख किया वास्को डा गामा का, बहुत एक दुर्भाग्यपूर्ण बात मैं बताने जा रहा हूं आपको। मैं गोवा में रहता हूं, गोवा में जिस गांव में मैं रहता हूं उस गांव का नाम है वास्को डा गामा, उस शहर का नाम है वास्को डा गामा। मुझे बहुत शर्म आती है, जब मैं वहां का विधायक था उसी शहर का, तब हमने एक बहुत बड़ा प्रयास किया था कि इसका नाम बदलना चाहिए। आक्रांताओं के नाम कोई रखता नहीं अपने घर में आकर, उनको बुलाता नहीं,
अपने घर पर कोई हम ऐसा प्लेट नहीं लगाते आक्रांताओं के नाम की, परंतु उस समय के शासन में वो हो नहीं पाया। इस वर्ष गोवा अपना पूरा देश जैसे आजादी का महोत्सव मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है, गोवा इस वर्ष अपनी मुक्ति का 60 साल मना रहे हैं। वो गोवा 60 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 19 दिसंबर को वहां कार्यक्रम है, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी जाने वाले हैं, परंतु हम सबको इतिहास में जाने की आवश्यकता है। जैसा कि यहां जिक्र हुआ कि भारत देश स्वतंत्र हुआ, और उन्होंने ठीक ढंग से कहा, वो तो राजनीतिक आजादी थी, इट वॉज अ पॉलिटिकल फ्रीडम, वी वर स्टिल अ नेशन। 15 अगस्त 1947 को हम नेशन बने, राष्ट्र बना, ऐसा थोड़ा ही है, बट वी वर स्टिल अ नेशन। हजारों लाखों सालों से हमारा ये नेशन का सिलसिला चलता आ रहा था। 15 अगस्त 1947 के बाद 14 साल लगे गोवा को मुक्त करने के लिए। उस समय के अपने जो राजनीतिक नेतृत्व था देश का, उनको लगता था कि शांति से सब कुछ होने वाला है, और इसलिए शांति की चर्चा शुरू की गई, यूनो में चर्चा शुरू हो गई, और अंत में अपने उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कह दिया, गोवा के बारे में अगर कुछ करना चाहे तो गोवा के लोगों को ही करने दीजिए, हम पर देखिए। बहुत विडंबना थी, ये इतिहास है। उस समय इस विषय को लेकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने पूरे देश में एक आंदोलन खड़ा किया और दिल्ली में संसद का घेराव किया, और उस सभा में पंडित जी ने घोषणा की, जब तक गोवा की आजादी नहीं होगी तब तक अपने देश की आजादी पूरी नहीं होगी। ये एक प्रकार से एक भावनिक संलग्न थी। अरे गोवा को बाहर कैसे रख सकते हैं। और उसके बाद 14 वर्षों के बाद वहां सेना भेजनी पड़ी, शांति दूत जाकर किसी को जाना नहीं पड़ा, सेना को जाना पड़ा। आदरणीय कुलदीप जी ने जगन्नाथ राव जोशी का यहां उल्लेख किया। जगन्नाथ राव जोशी कर्नाटक से थे, और कर्नाटक से आकर उन्होंने वहां गोवा में आंदोलन किया गोवा मुक्ति के लिए। उस समय के जनसंघ ने एक समिति बनाई और जगन्नाथ राव जोशी को उसका प्रमुख बनाया। महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश से हो, मध्य प्रदेश से राजा वो महाकाल वहां गए, उन पर गोली चलाकर उनको मार डाला पुर्तगालियों ने, और जगन्नाथ राव जोशी को 10 साल की सजा हो गई वहां जेल में, और 3 साल उनको वहां रखा गया। ऐसे कितने सारे लोग हैं जिन्होंने गोवा मुक्ति के लिए आंदोलन किया, अपना वहां योगदान दिया। मुझे बहुत गर्व है, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से राम सिंह जो है थे, उन्होंने भी गोवा मुक्ति के लिए आंदोलन किया, वहां सहभाग दिया। अपना पूरा देश एक है। गोवा मुक्त नहीं हुआ, इसकी जलन चुभन यहां के कांगड़ा के एक नागरिक को होती है। क्या बताता है कि हमारा पूरा विचार करने का तरीका क्या है। मुझे पता नहीं कैप्टन या राम सिंह, तो कैप्टन नहीं थे, राम सिंह जो थे वो कैप्टन राम सिंह वो अलग थे, राम सिंह जो कांगड़ा के थे वो संघ की शाखा पर गए या नहीं। संघ के शाखा पर हम जाने के बाद हमको लगता है कि पूरा देश एक है, समाज एक है, सबसे भाईचारे के साथ रहना चाहिए, सब हम वहां बातें करते हैं,
परंतु शाखा में जो नहीं गया उसको भी लगता है कि गोवा में दूर दराज में रहने वाले अपने लोग हैं, उनको भी मुक्त करने की आवश्यकता है, मेरा उनसे नाता है। ये जो भाव है ये भाव दुर्भाग्य से अपने देश की स्वतंत्रता के बाद अपने देश में नहीं रहा, दुर्भाग्य से नहीं रहा, और इसीलिए यहां की सभी घटनाओं को देखने की सोच बदल गई, हमारी दिशा बदल गई। यहां इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के लोग हैं, यहां वो जब गोवा में है इरफान हबीब और उनके साथ रोमिला थापर वगैरह, और गोवा कैसे पुर्तगालियों का शासन, पुर्तगालियों का प्रदेश है, वो बताने लगे हमको, वहां से हमने उनको खदेड़ दिया, बाहर जाओ यहां से, अभी आना नहीं। गोवा पुर्तगालियों का था क्या? कितने अत्याचार किए, 1510 में वहां गोवा में वहां आक्रमण हुआ, वास्को डा गामा कभी गोवा में नहीं आए, वो कोची में आए थे पीछे केरल में, गोवा में कभी भी नहीं आए, परंतु उनके द्वारा पुर्तगाली और बाकी वहां के जो क्रिश्चियन मिशनरी थे वो आ गए और उन्होंने इतने अत्याचार किए अपने लोगों पर, हिंदुओं पर, वहां सबको कन्वर्ट करने का प्रण लेकर वो आए थे, और सब वहां उन्होंने इतने सालों 450 साल, एक और दो साल नहीं, 100 साल भी नहीं, 200 नहीं, 450 साल। लेकिन इस इतिहास को हम लिखेंगे या नहीं, इस इतिहास को दूर किनार करने से क्या होगा? मैंने यही विषय जब मैं विधानसभा का अध्यक्ष था गोवा में, तब मैंने रखा था कि इस घटनाओं को गोवा में जो अत्याचार हुए इस पर कुछ हम लिखेंगे या नहीं, साहित्यिक लोग होते हैं उनको कुछ कथा है उपन्यास करने की जरूरत है, और मुझे खुशी लगी आज हम गोवा के इस विषय पर गोवा स्थित लोगों ने पुस्तकें लिखनी शुरू की है, कथाएं आने लगी है और उपन्यास आने लगे हैं। अपने साहित्य का भाग है इतिहास भी, इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। गोवा में जो अत्याचार हुए उस अत्याचार के बाद वहां फ्रांसिस जेवियर करके वहां आ गए अत्याचार के दौरान, और वहां एक बहुत बड़े हिस्टोरियन वहां गोवा के नहीं अपने पूरे देश में जाने माने, हिटलर से भी वो मिले थे, बाहर भी थे, डॉक्टर ए के प्रियोलकर, उन्होंने द गोवा इंक्विजिशन नाम की एक पुस्तक लिखी है, उसमें सब बातें लिखी हुई है। इट इज अ हिस्टोरिकल बुक। हिस्टोरिकल बुक इसलिए है कि जो जो अत्याचार वैसे उन्होंने लिया है, वो एक डच आदमी ने एक लिखा, हिस्टोरियन ने लिखा हुआ है, उसके आधार पर एक पुस्तक उन्होंने लिखे है कि कैसे अत्याचार किए गए, और इसके बावजूद इतने हाल और अपेक्षाएं वगैरह सब सोच सहन के बाद गोवा के लोग आज भी वहां अपना धर्म, अपनी संस्कृति, अपने विचार, अपनी परंपराएं को लेकर बैठे हुए हैं। आज भी वहां 70% हिंदू है, 70% को लगता है कि गोवा में सब क्रिश्चियन ही होंगे ना, परंतु ऐसा नहीं है, 70% हिंदू है वहां आज भी। इस पूरे अत्याचार के बावजूद भी उन्होंने अपनी संस्कृति वहां रखी है, हर हिंदू के घर के आंगन में वहां तुलसी दिखाई देगी, और हिंदू के घर में वहां आप अगर भीतर जाएंगे दरवाजे से तो भगवान की मूर्तियां वहां पहले प्रणाम करके आप अंदर जाना पड़ेगा। आज भी ये संस्कृति वहां है, ये इतिहास है अपना, ये कथा नहीं है, और इस घटनाओं को हमने कथित उपन्यास में लाने की आवश्यकता है, ऐसा मेरा कहना था। पूरे देश में अपने जो स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जो जो भी हुआ है उसका तो डॉक्यूमेंटेशन होगा,
उस पर ये सब बातें उसमें आएंगी, परंतु इस पर हमको ध्यान और भी देना है कि जैसे कुलदीप जी ने कहा कि बाहर के लोग आते रहते हैं, ये इतिहास ये है आपका, इसको किसको मानना चाहिए, औरंगजेब को मानेंगे आप या शिवाजी महाराज को मानेंगे, आपके नेता कौन है, आपके आदर्श कौन है, सब इतिहास की बातें नहीं है, ये हमारे संस्कारों की बातें हैं, हमारे संस्कृति की बातें हैं। ऐसे संस्कार और संस्कृति को आगे बढ़ाने की आज के तारीख में आवश्यकता है। मैं उनके इसके बारे में जिक्र नहीं करता, मैकॉले ने क्या कहा था वगैरह, परंतु धीरे धीरे हम सब मैकॉले जो चाहते थे, वो चाहता था मैकॉले, वो अब हमको वास्तव में दिखने लगा है क्या ऐसा। इसे मैं कभी कभी चिंतित, मैं चिंतक नहीं हूं, विचार करने वाला भी नहीं हूं, परंतु एक सामान्य नागरिक के नाते मुझे लगता है हम सभी यहां हैं, वी मे बी ब्लैक इन स्किन बट वी विल बी 100% यूरोपियन बाय थॉट्स। This is what he was expecting. क्या है ऐसा होता है? मुझे लगता है इस पर हम सबको ध्यान देने की आवश्यकता है। इतिहास है, इतिहास का संकलन करने की आवश्यकता है, योग्य रूप से सबके सामने आने की जरूरत है, परंतु क्या मैं मेरे घर में इस इतिहास के जरिए हमको जो दिया गया है उस संस्कृति को मैं क्या मेरे घर में ला पाऊंगा? कृपा करके गलत नहीं समझना, अगर संभव है तो हमारे घर में हम झांक कर देख सकते हैं। हमारे घर में आज की तारीख में मां होती है या मम्मी होती है? मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं, परंतु इस पर आपको सोचने की आवश्यकता है, हमको सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि सभी बातें इससे आगे बढ़ेगी। मां नहीं है हमारे घर में आज, किस वजह से, किस कारण? हमारे घर में मम्मी है, हमारे घर में पापा है, हमारे घर में अंकल है, ये कैसे आया, कहां से आया, क्या ये संस्कृति है मेरी, इस देश की, इस प्रदेश की? ऐसे कई सारे विषय हैं जो हम कर सकते हैं, इसके लिए कोई सामाजिक संगठन की जरूरत नहीं है, इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन होना चाहिए, प्रयास होने चाहिए, बिल्कुल नहीं। इसको मैं मेरे घर में आज से शुरुआत कर सकता हूं, मेरी जिम्मेदारी है। I cannot keep myself aloof from whole disaster. आने वाले कल के लिए इस डिजास्टर का जिम्मेदार मैं भी रहूंगा, तो इसलिए आज इसकी इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। मैं और एक बात छोटी सी मेरी रखूंगा और मेरे भाषण को समाप्त करूंगा। यहां आर्यो आर्य जो थे, आर्य के बारे में यहां बताया गया। मैंने Who Were Aryans ऐसे एक पुस्तक पढ़ी थी मैंने, आर्य कहां से आए, क्या आए वगैरह, बहुत साल हो गए उसको। मुझे लगता है श्रीराम साठे ऐसे वो लेखक थे उसके, Who Were Aryans। ठीक है, आज हम इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि आर्य बाहर से बिल्कुल नहीं आए, मध्य एशिया से नहीं आए हैं, वो तो यहीं के थे, हमारे पूर्वज थे। आर्य और अनार्य के बीच ऐसा एक भेद निर्माण करने वाली, एक यह सोचने वाली एक पीढ़ी तैयार हो गई है, और वो हमको भेद निर्माण करने के लिए सफल भी हो चुकी बहुत बड़ी मात्रा में। मैं सोचता हूं कि ऐसा उन्होंने क्यों किया, अपने देश की आजादी के बाद
जो पूरा इसका वैचारिक जो एक आंदोलन यहाँ चलने वाला था देश में, उसका पूरा कब्जा कुछ लोगों ने लिया जो लेफ्टिस्ट थे। उनको लगता था कि यहाँ की वैचारिक सोच को अगर हम डिस्ट्रॉय करेंगे, यहाँ नष्ट करेंगे, तो हम यहाँ और कुछ ला सकेंगे। इसीलिए उन्होंने बता दिया, अरे बाहर से आए हैं, यहाँ के नहीं है। और क्यों, वो ब्रिटिश परंपरा थी ना, ब्रिटिशों ने बताया था कि अरे बाहर से आए हैं। कभी कभी इसके बारे में मैक्स मुल्लर का भी नाम लेते हैं, पता नहीं वो कितने बराबर थे या गलत थे, मुझे मालूम नहीं, मैं इतिहासकार नहीं हूं। परंतु आर्य बाहर से जो आए, यह थ्योरी आर्यन इन्वेजन थ्योरी जो थी वो क्यों यहां लाई गई? इसलिए लाई गई कि यहां मुगल या मुस्लिम इस्लामिक यहां आक्रमण हो गए, वो बाहर से आ गए, ब्रिटिशर्स यहां बाहर से आ गए, और आर्य भी जो थे वो भी बाहर से ही आए हैं। यह जो देश है वो आर्यों का नहीं था, मुगलों का नहीं था, ब्रिटिशों का भी नहीं था। इसलिए ये जो देश है, आप भी यहां आइए, लूट लो इस देश को। यू नन ऑफ यू आर इज अ रेजिडेंट ऑफ दिस कंट्री ऑफ दिस प्लेस। आपका और इस देश का कोई संबंध नहीं है, और यहां की राष्ट्रीयता का जी जो भावना है उसको नष्ट करने के लिए उन्होंने कहा कि आर्यन वेयर आउटसाइडर्स, आर्यन वेयर कमिंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया। तो ऐसे विचार जो है, अभी बहुत ही सौभाग्य के दिन आ गए हैं कि आज के यहां अभी लोग फिर से इस थ्योरी को, जैसे उन्होंने बताया कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर वॉज पायोनियर इन propagating this theory that Arya were never, they did not come from Central Asia. उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इसको इसका विश्लेषण किया है। तो ऐसे अनेक सारे विचार हैं जो मुझे लगता है कि इस इतिहास संकलन समिति के विचार मंथन के द्वारा हम सबको मिलेगा, हम सबको जो इसको मैं अमृत मंथन कहता हूं, और बाद में जो आएगा वो नवनीत है, वो नवनीत हमारे सामने आएगा जो इस देश के विचारकों के लिए एक नई दिशा दे सकता है। इसलिए ऐसे प्रावधान जो होते हैं, ऐसे आयोजन जो होते हैं, वो बहुत ही आवश्यक हैं। मुझे लगता है यहाँ के आयोजकों ने ये बहुत ही विषय सटीक रूप से, और स्वतंत्रता आंदोलन में जिन देवेर अननोन हीरोज जो थे उनको यहाँ लाने के लिए, उनका जिक्र करने के लिए, उनको उनका कहीं ना कहीं उनको नोंद करने की आवश्यकता है, ऐसा विचार लेकर जो आयोजन किया है, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सबको धन्यवाद।